बच्चे लॉकडाउन दोबारा से लग गया, अब आप क्या करोगे? रुको जरा, सबर करो। लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हो गए, जिसकी वजह से हम जब हमारे स्कूल के जो उनसे टीचर हैं उसको नहीं देख पाएंगे। लो जी, टीचर को नहीं देख पाऊंगा। अब है तेरी टीचर है या छोटा भीम है, जितनी तुम्हारी उम्र है जाओ जाके आसमानी पंगूड़े के झूले लो या स्लाइड वाले झूले के ऊपर कीसियां लो, क्योंकि ये नेचुरल है। पर जो तुम बातें कर रहे हो वो नेचुरल नहीं है। और क्या, स्कूल टीचर को देखने जाते थे? जी जी। और बड़े हरामी हो बेटा। कौन सी टीचर ज्यादा प्यारी लगती थी? कोई ना कोई टीचर ने शायद पहुंच जावे मैसेज। जी, सोशल स्टडीज से भी, शक्ल से भी अच्छी थी। नहीं, कह रहे कि शक्ल से अच्छी थी। अब इस उम्र में तुझे क्या लेना देना किसी भी चीज से? तुम जाओ जाके साइकिल लो और उससे बार बार गिरो हो। लेकिन नहीं, ये बचपन की मासूमियत को लोगों की नजरों से गिरा रहा है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। बटी में क्या करने आई? फुंडी। फुंडी करने आए? जी बिल्कुल। कर लिया? हाँ कर लिया। रिस्पॉन्स मिला है कोई? नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? बस नहीं, किसी ने रिस्पॉन्स दिया। सैड तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ध्यान से देखिए इस पूंड को, ये लिबर्टी में पूंडी करने आया। आप इतने बेगैरत हो। पहन ठटकी साले, फिर यही लोग कहते हैं कि जॉब नहीं हमें मिलती। अबे ये पूंडी वाली जॉब छोड़ोगे तो दूसरी मिलेगी ना। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। इस तरह के ठटकी होते हैं जो इतने तरसे होते हैं कि अगर उनको पूछो ना कि तुम खाला की बेटी या फूफो की बेटी, किससे शादी करना चाहते हो, तो ये आगे से क्या जवाब देते हैं? चलिए आप मुझे बताएं, दुनिया में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, खाला की बेटी या फूफो की बेटी। दोनों में से किसी एक से शादी करनी है आपको, तो आप किससे करेंगे? मैम ऐसा पॉसिबल है कि मैं दोनों ऑप्शन यूटिलाइज करूं? अब एक तुझे मिल जाए वही काफी है, तू एक संभाल ले वही काफी है। यूटिलाइज दोनों को, सांभलाओ। कॉमन सेंस कैसे आपकी? कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। चलो चलो चलो। मेरा सवाल ये है कि इंसान के जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो पैदाइश के वक्त नहीं होता? उसका सर। इंसान की पैदाइश के वक्त उसका सर नहीं होता है, कितना अच्छा नॉलेज है इसका। सर के बगैर पैदा हुए थे? नहीं, इंसान तो जब पैदा होता है वो पूरा होता है, शायद आप ना। अरे ए मरो। अरे ये क्या बोल रहा है, इसको खुद नहीं समझ आ रही, किसको पकड़ लिया बाजी, इसकी बातों का मुंह मत ही कोई नहीं। भाईजान बात सुनो जरा, कॉमन सेंस बहुत अच्छी है आपकी, जरा बात सुनो। दांत नहीं होते दांत। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अबरारुल हक। अच्छा मुझे ये बताएं, मैरिड है आप? नहीं, सिंगल लौंडे। नहीं, सिंगल लौंडे। जरा सवाल करते हैं आपसे, अगर आपका जेंडर चेंज हो जाए, लड़के से लड़की बन जाए, तो क्या काम करेंगे आप? मुजरा। मुजरा करना चाहता है, मुजरा। सोच चेक करो यार, सोच टिकटॉकर्स वाली बन गई है कि कुछ भी हो जाए मुजरा करना है, मुजरा। औरत को तो जो सी जबर हो रहा है, बॉयज के साथ भी हरासमेंट हो रही है। आपके साथ हुई है कभी लाइफ? या आपके साथ हुई है कभी? या यस। कब हुई है वैसे? अभी उसे क्या कहते हैं, जीपी ऑफिस के सामने उसे क्या कहते हैं, सारे ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं मैं एलियन हूँ। अब है तू एलियन नहीं है, तू खुद मुख्तार खुद साख्ता खुश रहा, इसलिए लोग तुझे गौर से देखते हैं। और जाहिर बात है, जब कोई भी इंसान मामूल के खिलाफ कोई चीज देखता है तो वो गौर से देखता है। वो सारे तुझे ताज्जुब की नजर से देख रहे थे कि चंगा पलन लड़का होने के बावजूद ये जनाना हरकतें क्यों कर रहा है, और तू ये समझ रहा है कि मैं कोई ब्यूटीफुल चीज हूँ, और वो सारे मुझे देख के अपना ठड़क जा रहे थे। अब हे नहीं, चूना लगाते रहे हम मक्खन समझते रहे, वो चूना लगाते रहे हम मक्खन समझते रहे। अब देख लो कौन चूना लगाता रहा, कौन चुना लगाता रहा। हाँ। अब कोई प्यार से बात कर ले, मुझे तो नहीं ना पता उसका माइंड क्या सेट है, माइंड की उसका। अच्छा, लोग प्यार से ही बात करते हैं? लो, चूना लगाने के लिए लोग प्यार से बात। चुप साली, बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। ये है मेंटालिटी लेवल, बात करनी आती नहीं और बातें कर रहे हैं। तमाम कौम से सवाल है, अगर फिजिकल ऑनलाइन पढ़ा के फिजिकल पेपर लेने हैं तो मुझे पबजी खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फौज में लगा। पाकिस्तान का लगा सकते हो? नहीं ना लगा सकते, तो फिर क्यों हमारे साथ? क्या बात है यार, क्या बात है, मानो या ना मानो बात में लॉजिक है यार, इसकी बात में लॉजिक है कि पढ़ाया ऑनलाइन है लेकिन पेपर फिजिकल है, ये कोई तुक बनता है? ऊपर से इतने चक्कर लगवाए इन्होंने यूनिवर्सिटी के, जब दिल करे बुला लेते हैं जी आजो हो, वाइवा होने लगा, ये होने लगा, पै दिमाग खराब कर दिया। कंट्रोल। हाँ जी, क्या हाल है? अगे ना फर्क है, देखी फिर काम कर दे कोई जगत मार, तीन दो तीन चंडा ना मार दे।
ठीक है, एडी कादी आग लगी है, जुगत मारो मुझे। वैसे ये भी जुगत ही है, तुम्हारा सवाल भी हो गया, उसका जवाब भी हो गया, और जुगत भी बज गई, वो भी तुम्हारे कान के नीचे। अब मैं चलता हूँ उनके पास जिनके मैं मजनू हुआ पड़ा था, 3 से 4 साल उस लड़की के पीछे लगा रहा, और उसके बाद उसने कोई हाथ पल्ला पकड़ाया और आज मेरी शादी हुई है। उनसे बात करते हैं जी, बताइएगा कि आज शादी है आपकी मेरे साथ, इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं खुश हूँ। सिर्फ खुश हैं और कुछ नहीं कहेंगे अब है, और वो क्या करें हैं, नागिन डांस शुरू कर दे इधर। नहीं और कुछ नहीं कहूंगी। के लिए स्पोर्ट्स कार्स लेके आया, हैवी बाइक्स लेके आया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी पहली ख्वाहिश पूरी की, मैं उम्मीद करती हूँ आप आगे भी मेरी इसी तरह सारी जिंदगी। वैसे ये है फनी था कि अगर रिपोर्टर की शादी हो और उसका बस चले है तो वो अपनी ही मैरिज की न्यूज कवरेज कर दे। कितनी तेज है, कह रही है आपको प्यार हो जाएगा मत देखे। यार आजकल के बच्चे बचुंगड़ों को क्या हो गया है? अरे तुम्हारी अब्बू की उम्र के हैं वो, बाद में शर्मा भी रही है। नहीं ऐसी हरकतें क्यों करते हो जो बाद में शर्माना पड़े। मेरी बात सुनो ऐ लड़के, जितनी तुम्हारी उम्र है स्कूल तो आजकल बंद है, लेकिन फिर भी घर में चेयर के ऊपर सुकून के साथ बैठ के स्कूल के बारे में सोचा करो कि अगर स्कूल खुले होते तो इस वक्त ब्रेक होती ही, और ये सोचते हुए पापड़ खाया करो। बाहर आकर लड़कों के दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, लड़कों का नहीं पता चलता, फौरन पके हो जाते हैं, ठड़क झाड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं यकीन आता तो खुद देख लो। मैंने आया था सो के वो केरी चीज है जिन्हों से जिन्ना खाइए साड़ा टिट नहीं पड़ता। तो बड़ा है आली जे। देखा हिसाब लाओ इसके ठरक का, अभी तो उसका ख्याल खाते हैं, ख्याल है या शुवार में? नहीं बात का कोई लॉजिक ही नहीं है यार, बात सुनो, ख्याल आते हैं खाते नहीं आते। मर्द भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खवातीन भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, एक्चुअली राइट कहाँ नहीं मिल रहे, कहाँ गलती हो रही है समाज में? असल में एज अ मुझे पता नहीं वो सवाल को आंसर शुरू कहाँ से करूँ। आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो, क्योंकि इतने सारे गलतियाँ हैं, हमारी भी गलती है कि एक ही दिन में हर अरे कहना क्या चाहते हो? बताओ क्या कहना चाह रहे हो? बस शौक है ना, शौक है कैमरे में आने का, इंटरव्यू देने का। इस तरह के बंदों को सारी मछली खाने के बाद याद आता है कि वो चटनी तो खोली नहीं। सोरा वाकई नहीं लग रहा है कि थप्पड़ मारा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हाथ पे तिब्बत क्रीम लगा के अपने छोटे बेटे की गाल पे लिंबी है। खैर कोई नहीं, ये कैमरे के पीछे ऐसे फनी वाकया तो होते रहते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था, इस सीरीज के साथ आपके प्यार की वजह से इसके 5 पार्ट हो चुके हैं, इसलिए उम्मीद है कि आपको बाकी पार्ट्स की तरह ये भी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलें। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो भाई पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूं यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह निगेबान।